गुरुवार रात को वन विभाग की टीम ने नाके के दौरान एक लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। ट्रैक्टर चालक मौके पर लकड़ी ले जाने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिस पर विभाग ने कार्रवाई की है। ट्रैक्टर को जब्त करने के बाद वन विभाग ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी भद्रोया अभिनव ठाकुर ने बताया कि गुरुवार रात को तोके गांव में वन विभाग की टीम ने नाका लगाकर लकड़ी से भरा ट्रैक्टर पकड़ा है और ट्रैक्टर को वन परिक्षेत्र भद्रोया पहुंचाया है। शुरुआती जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर के पास कटान संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसकी जांच जारी है। बीएफओ नूरपुर अमित शर्मा के निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र इंदौरा की विभिन्न टीम्स को गठित किया गया है, जो विभिन्न जगहों पर हर रात्रि नाका लगा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हमने लगातार नाइट रेड्स की हैं, जिसमें हमने 4 एनसीज, 1 407 और 1 ट्रैक्टर को इंटरसेप्ट किया है। हम लगातार अलग अलग लोकेशंस पे नाके लगा रहे हैं रात्रि, और जो भी गाड़ी बिना परमिट के या बिना परमिशन के जा रही है, उसको हम पकड़ कर रेंज ऑफिस भद्रोया ला रहे हैं। उसके बाद हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। हिमाचल टीवी के लिए डमटाल से गोवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। जॉय ई बाइक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब सिर्फ 66,000 से शुरू। यस, यू हर्ड इट राइट। जॉय ई बाइक इज नाउ गिविंग 18,000 तक के डिस्काउंट्स, फ्री इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट्स ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट एंड सो मच मोर। ऑफर चाहिए तो नीचे क्लिक करो एंड 999 में अपना स्कूटर बुक करो।